हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार हर साल बजट लाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में बजट की शुरुआत किसने की और कौन है जिसने देश का पहला बजट तैयार किया? तो आज हम भारत के पहले बजट के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हर साल बजट पेश करती है और बजट में देश की प्रगति के लिए योजनाएं प्रस्तुत करती है, और इसी के साथ जो प्रत्येक योजना है उसमें जो खर्च होना है उसका विवरण देती है। अब भारत में जो बजट की शुरुआत थी वो जेम्स विल्सन ने की थी सन 1860 में। बात करें जेम्स विल्सन की, तो जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हैटमेकर के तौर पर की थी और काफी सालों तक उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का बेहद गहराई से अध्ययन किया, और उसके बाद वो जो हमारा भारत हुआ करता था पहले विभाजित नहीं था, यानी कि उसे हम अविभाजित भारत बोलते थे क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं बना था, तो संपूर्ण भारत जो था वो अविभाजित भारत के नाम से बोला गया। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, उनकी काउंसिल में फाइनेंस के मेंबर बन गए थे जेम्स विल्सन। तो जो जेम्स विल्सन थे वो यूके ट्रेजरी के फाइनेंस सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ ट्रेड वाइस प्रेसिडेंट होने के अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। अब जो विल्सन थे वो सन 1859 यानी 28 नवंबर 1859 को भारत आए थे, और तब अंग्रेज जो है वो भारत की पहली आजादी की लड़ाई बोली जाती है, जो कि 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है, उससे निपट चुके थे। अब इससे निपटने में अंग्रेजों को काफी भारी मात्रा में खर्च करने पड़े क्योंकि हथियारों की और काफी सेना की जो हानि हुई थी उन सब में काफी खर्च हुआ था, और जो सेना पे उन्होंने खर्च किया था इसके कारण सरकार कर्ज में डूब चुकी थी पूरी तरीके से। उस वक्त विल्सन ने एक टैक्स लेके आए थे, एक एक्ट था जो कि इनकम टैक्स एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो इससे अंग्रेजों को बड़ी राहत मिली थी। विल्सन ही वो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बैंक की स्थापना की थी उस वक्त, और उस बैंक को हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और विल्सन एक पत्रिका के फाउंडर भी थे जिस पत्रिका का नाम था द इकोनॉमिस्ट। भारत में जो पहला इनकम टैक्स एक्ट था वो किस सन में आया और कैसे आया इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार सन 1860 ईस्वी में इनकम टैक्स एक्ट लेकर आए थे। विल्सन इसके पक्ष में तर्क दिया था उन्होंने उस वक्त कि चूंकि ब्रिटिश भारतीयों को व्यापार करने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराते हैं, इसलिए इसके बदले में इनकम टैक्स के रूप में एक शुल्क चार्ज करना न्यायोचित कदम है। ये उन्होंने अपने इनकम टैक्स एक्ट के पक्ष में बोला था। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप की बात करें तो कनाडा के दो शोधकर्ता थे, उन्होंने विल्सन द्वारा जो अपनी पत्रिका है उसमें भारत पर सन 1843 से लेकर 1860 तक जितने लेख लिखे थे उनका विश्लेषण किया और अपना एक लेख सन 2016 में प्रकाशित किया। अब इस लेख के मुताबिक ये कहा गया कि जो 19वीं सदी में राजनीतिक अर्थशास्त्र के उदार विचार लाइसेज फेयर का समर्थन करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को अपनाया और टैक्सेशन बढ़ा दिया। आर्टिकल के मुताबिक इस अंतर को नस्ल के प्रति रुख से समझा जा सकता है। वित्तीय शासन का अहम औजार, तो विल्सन के बजट ने भारत को वित्तीय शासन का एक अहम औजार दे दिया था, लेकिन जो ये इनकम टैक्स एक्ट था वो कारोबारियों के साथ साथ जमींदारों को भी रास नहीं आया। लोगों में इनकम टैक्स के भुगतान के प्रति अरुचि आज भी आजादी के करीब 70 साल बाद भी बरकरार है, तो लोगों को ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूनिफाई स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।